तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले की सारी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में दी हुई है और उसी ऑर्डर में दी हुई है जिस ऑर्डर में देखने से आपको ठीक से समझ में आएगा। तो आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें ताकि आपको पता रहे कि इससे पहले कौन कौन सी वीडियो और इसके बाद कौन कौन सी वीडियो आपको देखनी है। अगर हम बात करें लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन की, तो शॉर्ट रन में एक फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है और फर्म अपना शट डाउन भी कर सकती है। लेकिन लॉन्ग रन में एक फर्म को हमेशा मिलेगा, वो मिलेगा ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। क्या मिलेगा फर्म को? ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट मिलने की जो वजह है लॉन्ग रन में, वो ये है कि जो फर्म है वो अपनी एडजस्टमेंट कर सकती है। मार्केट में फर्मों का एंट्री और एग्जिट फ्री होता है, तो इस एंट्री फ्री और एग्जिट फ्री होने की वजह से लॉन्ग रन में फर्म को केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। अब मान लीजिए किसी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है या एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है शॉर्ट रन में, तो ये शॉर्ट रन में जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है इससे अट्रैक्ट होकर न्यू फर्म्स मार्केट में एंटर करेंगी। तो जैसे ही न्यू फर्म मार्केट में एंटर करेंगी, जो मार्केट सप्लाई है गुड्स की वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही मार्केट सप्लाई बढ़ेगी जो मार्केट प्राइस है वो फॉल करेगा, और रिजल्ट ये होगा कि फिर से सभी फर्मों को लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। हम इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, ये है मार्केट कंडीशन का डायग्राम मार्केट का, और ये एक इंडिविजुअल फर्म के लिए है। इनिशियली मार्केट में डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस इंटरसेक्शन के पॉइंट को हम ई बोल देते हैं, प्राइस को पी और क्वांटिटी को क्यू बोल देते हैं। ये क्वांटिटी है, ये हमारा प्राइस है। तो क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है, तो फर्म के लिए ये प्राइस हो जाएगा, जिसे हम एआर और एमआर जीरो बोल देते हैं, एआर जीरो एमआर जीरो। और इस केस में फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा एमसी हो गया, जिसको कि हम पॉइंट ए बोल देते हैं। ये क्वांटिटी हो गई फर्म के लिए, क्यू जीरो बोल देते हैं इसको। और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट है वो ये हो गया इस बी पॉइंट पर, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर हम डायग्राम के नंबर्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको डिमांड का बनाना है, फिर सप्लाई का, फिर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, उसी सीधी लाइन खींच के आप AR MR बना सकते हैं, फोर्थ पर MC और आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, और फिफ्थ पर AC। ये पॉइंट हमने आपकी कन्वीनियंट के हिसाब से लिख दिए हैं, आप इसी ऑर्डर में पॉइंट सारे ड्रॉ करें। अब होगा क्या कि जो मार्केट में न्यू फर्म एंटर करेगी, तो जैसे ही इस एबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से न्यू फर्म एंटर करती हैं, जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि मार्केट सप्लाई जो है गुड्स की वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जैसे ही मार्केट सप्लाई इंक्रीज करेगी, अब जो प्राइस है वो फॉल करेगा, और फॉल होकर प्राइस हो जाएगा ओपी वन और क्वांटिटी हो जाएगी क्यू वन। यानी कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें क्वांटिटी बढ़ने, प्राइस फॉल करने की वजह से एक फर्म के लिए भी प्राइस फॉल कर जाएगा, और अब ये हो जाएगा AR1 और MR1। और इस केस में
जो फर्म है उसको मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ये एमसी वन हो गया और ये एसी वन हो गया, यानी कि पहले ही एबनॉर्मल प्रॉफिट है, फिर सप्लाई बढ़ी और फिर से मिलेगा फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये शॉर्ट रन प्रोसेस है, ये शॉर्ट रन का एसी, एसएसी बोल सकते हैं इसको आप, एसएमसी जीरो और इसको एसएमसी वन, एसएमसी ए। लॉन्ग रन में जो एसएसी होता है वो ऐसे जो वो सभी एसएसी को जोड़कर बनता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इसका के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दूंगा। तो अब आपको क्या करना है, इन ये जो पॉइंट थे फोर के बाद फाइव हो गया था, उसके बाद सप्लाई इंक्रीज करोगे तो ये सिक्स पॉइंट हो जाएगा, फिर सेवन, फिर एट एंड देन नाइन। अब आपके लिए 10 और 11 पॉइंट जरूरी है समझना। तो जितने भी एसएससी हैं उन सभी को जोड़कर बनेगा एलएमसी, ये आपका एलएमसी कर रहा है, यानी कि इस एसएससी जीरो को, एसएससी जीरो को, इस एसएससी जीरो को और एसएससी वन को जोड़कर हमने जो पॉइंट बनाया है उसको बोलते हैं एसएमसी, एसएसी, एलएसी, सॉरी एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और इसी तरीके से आपको एक पॉइंट और डालना पड़ेगा एसएमसी का, वो इस पॉइंट से कट करता हुआ इसी पॉइंट पे कटते हुए आगे चला जाएगा एसएमसी का। तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम हो रहा है लॉन्ग रन का, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो इक्वल है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के और इक्वल है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के, इक्वल है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट के और ये इक्वल है एआर के, इक्वल एमआर और इक्वल प्राइस, यानी कि सभी चीजें आपस में एक दूसरे को इक्वल कर लेंगी। तो ये हमारा लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है। आप चाहें तो इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है, केवल इसी पॉइंट को दिखाना है, जैसे कि एआर इक्वल टू एमआर हो गया, तो ये हमारा है एस एम सी जीरो और एस ए सी जीरो। उसके बाद आपको एक एल ए सी दिखाना है, एल ए सी हो गया और एक आपको एल एम सी इसी पॉइंट पे सबको कट करते हुए आगे दिखाना है, यानी कि ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये ही इस पूरे पॉइंट को समझाया गया है। आप चाहें तो लॉग रन इक्विलिब्रियम और सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं, जिसमें ए आर इक्वल टू एम आर है और आप ये बता सकते हैं कि ये एल ए सी है, एल एम सी इक्विलिब्रियम हो गया एल एम सी से और ये एस ए सी है। लेकिन जो एडजस्टमेंट प्रोसेस है वो इसी तरीके से होगी कि सबसे पहले एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट के बाद सप्लाई इंक्रीज करेगी, फिर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, फिर एसएसी वन जीरो और एसएसी वन को जोड़कर एलएमसी बनेगा और फिर एक एलएमसी डाल देंगे इस पॉइंट पे मिलाते हुए आगे की तरफ खींचते हुए। तो ये आपको हमने बताया है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से हमारा लॉन्ग रन में प्रोसेस किस तरीके से होता है। इसी तरीके से मान लीजिए एक फर्म को शॉर्ट रन में लॉस हो रहा है, शॉर्ट रन में क्या मिल रहा है, फर्म को लॉस हो रहा है। तो जब फर्म को शॉर्ट रन में लॉस होगा तो देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। मान लीजिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये गुड्स का प्राइस डिसाइड हो गया, ए आर इक्वल टू एम आर इसको जीरो बोल देते हैं और ये हमारा ई हो गया, ई जीरो, ये क्यू जीरो और ये P।